गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टूडेज क्लास वी विल रिवाइज आवर चैप्टर वन अगेन. ओलिवर फाइंड्स अ होम. नाउ ओलिवर वॉज एन ऑर्फन बॉय, दैट मीन्स वो एक अनाथ बच्चा था. एंड ही यूज टू लिव इन ऑर्फनेज. इट इज रिटन हेयर ऑर्फनेज. ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोवल ओलिवर ट्विस्ट. ये एक्सट्रैक्ट ओलिवर ट्विस्ट की नोवल से लिया गया है. ओलिवर जो कि एक अनाथ बच्चा था, ऑर्फन, runs away from the orphanage, जो अनाथालय से भाग जाता है. where he is ill-treated and lands in a den of thieves, जहाँ पर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था. और वो कहाँ पहुँचता है? चोरों के गैंग में. the thieves take Oliver to rob a house, अब जो चोर थे वो ओलिवर को अपने साथ लेके जाते हैं घर को लूटने में. but are stopped by the servants, लेकिन उनको ऐसा करने से रोक दिया जाता है servants के through. that means उस घर के सर्वेंट्स उन्हें पहचान लेते हैं. दे रन अवे, और वो सारे चोर भाग जाते हैं. लीविंग अ वाउंडेड ओलिवर बिहाइंड, और उस छोटे से बच्चे ओलिवर को, घायल अवस्था में था, जो वाउंडेड मीन्स घायल, घायल अवस्था में था, उसे छोड़ जाते हैं. द सर्वेंट्स टेक हिम इनटू द हाउस, अब वो जो घर के सर्वेंट्स है वो उस बच्चे को घर के अंदर लेके जाते हैं. रीड ऑन टू फाइंड व्हाट हैपेंस टू ओलिवर. अब हम आगे पढ़ते हैं कि घर में पहुँचने के बाद ओलिवर के साथ क्या होता है. Mrs. Marley and Rose were waiting anxiously for the doctor to arrive. Anxiously, excitedly, eagerly. Mrs. Marley और Rose उस घर में रहते थे, वो डॉक्टर के आने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी. I hear the carriage pulling up. That must be Dr. Losburn. Now, Mrs. Marley says कि मुझे गाड़ी की आवाज़ आ रही है, जैसे गाड़ी पार्क करने की आवाज़ आती है ना, उस तरीके से वो अंदाज़ा लगाती है कि शायद डॉक्टर लॉसबर्न आ गए हैं. ओ प्लीज विल यू कम अपस्टेयर्स एंड लुक एट द पुअर थिंग. नाउ मिसेस मार्ले सेज टू द डॉक्टर कि क्या आप ऊपर आकर, पुअर थिंग, पुअर थिंग इज ओलिवर हेयर, कि क्या आप ऊपर आकर उसे देखेंगे. सर्टेनली, परहैप्स गाइल्स कैन लीड मी टू द रूम वेयर ही इज रेस्टिंग. येस ऑफकोर्स, डॉक्टर सेज येस ऑफकोर्स, ही वुड लाइक टू सी द पेशेंट एंड ही रिक्वेस्टेड द लेडीज टू टेक हिम टू द रूम of the patient. At last the doctor returned to the dining room. Sorry, yahan se start karna tha. The doctor stayed in the patient's room. Doctor patient ke room mein rehta for a long time and asked for a few things. Doctor patient kaun tha? Oliver. Oliver ke room mein thodi time spend karta hai aur kuch cheeze mangwata hai. Bring some warm water and more clean sheets. Doctor kehta hai kuch garam pani ke liye aur kuch साफ कपड़े मंगवाता है. एट लास्ट द डॉक्टर रिटर्न टू द डाइनिंग रूम टू स्पीक टू द लेडीज. पेशेंट्स से मिलने के बाद डॉक्टर डाइनिंग रूम में आते हैं और लेडीज से बात करते हैं. आई होप ही इज नॉट इन डेंजर, मिसेस मार्ले आस्क द डॉक्टर, एंड शी होप्स दैट ओलिवर वॉज नॉट इन डेंजर. नो मिसेज मेली, ही विल बी वेल अगेन इन अ वीक और टू. नो डॉक्टर सेज कि देर इज नो डेंजर, योर पेशेंट विल बी ओके और ही विल बी वेल अगेन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. हैव यू सीन द थीफ, क्या आपने चोरों को देखा था, डॉक्टर पूछता है. द लेडीज हैड नॉट सीन द थीफ येट, लेडीज ने तो देखा ही नहीं था चोरों को, क्योंकि वो तो सर्वेंट्स के द्वारा ही भगा दिए गए थे. व्हेन दे एंटर द रूम दे स्टेड इन सरप्राइज, जब वो रूम में आती हैं वो बड़ी हैरानी से उस बच्चे को देखती रहती हैं. Why, he's a mere child. This poor thing cannot be a thief. बड़ी सरप्राइजिंगली बात देखती हैं, भाई वो चोरों के साथ पकड़ा गया था, तो जब वो उसको देखती हैं कि भाई क्या इतना मासूम सा छोटा सा दिख रहा है ये जो बच्चा, वो चोर हो सकता है. ओ द पुअर थिंग, आंटी डोंट लेट देम सेंड द बॉय टू प्रिजन. अब रोज़ कहती है अपनी आंटी से, मिसेस मेले से, कि ये बहुत इनोसेंट दिख रहा है, और रिक्वेस्ट करती हैं कि इसको चोर, उसको पुलिस के हवाले ना किया जाए. लेट अस डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट रूम, वी मस्ट नॉट वेक हिम अप. नाउ मिसेस मार्ले सेज कि चलो ये बातें हम अगले रूम में डिस्कस करते हैं और उसको नहीं जगाते हैं. यस आई एग्री, ओके. ऑल थ्री ऑफ देम डिस्कस द मैटर इन विस्पर्स, अब वो तीनों जने, तीनों लोग इस मैटर को डिस्कस करते हैं इन विस्पर्स. विस्पर्स मतलब कानाफूसी करना, धीरे धीरे बोलना. वी शुड लिसन टू वट ही हैज़ टू से, हमें उसको सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है जब वो होश में आ जाए.
इफ ही इज इनोसेंट, अगर वो बेकसूर है देन वी कैन हेल्प हिम, हम उसकी मदद कर सकते हैं। इफ ही इज गिल्टी, लेकिन अगर उसने किया है क्राइम, ही शुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस, उसे पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। येस आई एग्री, बट आई एम सर्टेन दैट ही इज ब्लेमलेस। नाउ डॉक मिसेज मॉरली, मिसेज मैली सेज कि वो भी एग्री है इस बात से, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। इन द इवनिंग व्हेन ओलिवर वॉक अप, ही वॉज टायर्ड बट ही वॉज ऑल्सो कीन टू टेल हिज स्टोरीज। शाम को जब ओलिवर जागता है वो बहुत थका हुआ महसूस करता है, लेकिन वो बड़ा उत्सुक था अपनी स्टोरी बताने के लिए। नाउ ही टेल्स हिज स्टोरीज टू बोथ द लेडीज। द थीव्स वॉन्टेड मी टू डू ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग्स, दे वॉन्टेड मी टू रॉब योर हाउस एंड देन दे लेफ्ट मी वाउंडेड हेयर। वो कहता है कि थीव्स चाहते थे कि मैं सब तरीके का गलत काम करूं, वो चाहते थे मैं आपके घर को लूटूं और उनका साथ दूं, और इसी तरह से वो मुझे घायल भी छोड़कर चले गए। द लेडीज वर मूव्ड बाय द स्टोरी ऑफ ओलिवर्स अनहैप्पी लाइफ। अब दोनों लेडीज उसकी स्टोरी को सुन के बहुत दुख फील करती हैं। वी मस्ट नॉट लेट द पुलिस टेक हिम अवे, हम इसको पुलिस से जरूर बचाएंगे, हम इसे लेकर ले जाने नहीं देंगे पुलिस को। आई वुड नॉट हार्म वन हेयर ऑफ हिज हेड, मैं उसका एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। यहाँ पे मिसेज मार्ले कहती हैं रोज से कि वो उसका एक बाल भी बांका नहीं होने देंगी। वी मस्ट प्रिपेयर द सर्वेंट्स फॉर व्हेन द पुलिस अराइव, पुलिस के आने से पहले हम अपने सर्वेंट्स को तैयार कर देंगे। यानी वो चाहते हैं कि हम उसके सर्वेंट्स को वो कर देंगे। ये थोड़ी सी पिक्चर टेढ़ी है बच्चों, मैं इसको थोड़ा ठीक करती हूँ और फिर आपसे वेट फॉर टू मिनट्स। नाउ इट इज स्ट्रेट। व्हाट हैपन्स, दे वर ट्राइंग टू एस्केप ओलिवर फ्रॉम पुलिस एंड दे वर गिविंग ट्रेनिंग टू द सर्वेंट्स ऑल्सो। सून द पुलिस अराइव टू इंक्वायर अबाउट द रॉबरी, तभी पुलिस आ जाती है रॉबरी को इंक्वायर करने के लिए, यानी जांच के लिए। द रॉबर्स वर टू एविल लुकिंग मैन, अब सर्वेंट्स बताते हैं क्योंकि सर्वेंट से झगड़ा हुआ था थीव्स का, तो रॉबर्स के बारे में बताते हैं कि वो टू एविल लुकिंग मैन, एविल क्या होता है बुराई, यानी बुराई करने वाले ही दिख रहे थे वो। आई होप यू विल फाइंड दोज मैन एंड पनिश देम, दूसरा सर्वेंट कहता है हम उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप उनको ढूंढ देंगे और उनको सजा देंगे। लिटिल ओलिवर वाउंडेड हिमसेल्फ अर्लियर वाइल प्लेइंग, अब तीसरे सर्वेंट क्या बताता है कि छोटा ओलिवर घायल हो गया था खेलते हुए। द पुलिस बिलीव द सर्वेंट, पुलिस सर्वेंट्स पर विश्वास करती है एंड लेफ्ट ओलिवर इन पीस, और ओलिवर को छोड़ देती है। मिसेज मार्ले एंड रोज टुक वंडरफुल केयर ऑफ ओलिवर, मिसेज मार्ले और रोज मिलकर ओलिवर का बहुत ध्यान रखते हैं। हैव अनदर बाइट ऑफ द पाई डियर, वो उसको पाई खाने को देते हैं, उसको देखो खाने पीने को दे रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं ना। एवरी मॉर्निंग ओलिवर वेंट टू एन ओल्ड जेंटलमैन हु टॉट हिम हाउ टू रीड एंड राइट, हर सुबह ओलिवर को एक ओल्ड जेंटलमैन, एक बूढ़े जेंटलमैन के पास भेजा जाता था जो उसे लिखना और पढ़ना सिखाता था। टुडे वी विल रीड फ्रॉम पेज 14 ऑनवर्ड्स, ये देखिए यहाँ से वो कह रहा है कि आज हम पेज 14 से स्टार्ट करेंगे। एंड ईच नाइट, और हर रात को ओलिवर स्लेप्ट पीसफुली इन अ क्लीन बेड इन हिज ओन रूम, और हर रोज वो अब अपने रूम में सोता था एक साफ बिस्तर पर। दिस इज हाउ 3 months passed by, इस तरीके से 3 महीने बीत जाते हैं। दे वर मंथ्स ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस फॉर ओलिवर ट्विस्ट, और ये महीने एक परफेक्ट खुशी के थे ओलिवर ट्विस्ट के लिए। नाउ यू हैव सीन हाउ द चैप्टर इज कम्प्लीटेड, वी हैव रिवाइज चैप्टर 1 थॉरली। Hope you will revise yourself now. Okay? Thank you.